इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। आगे पीछे फिर रही होती हैं, उनमें छः छः सात सात सिक्योरिटी गार्ड पीछे बैठे होते हैं, जब चाहते हैं जिसको चाहते हैं रोक लेते हैं। एक आम शहरी के ऊपर गन्स तान कर उसको लहूलुहान करके उसको छलनी कर दिया जाता है। क्या यही गन किसी अशराफिया के बेटे के ऊपर कोई तान सकता है? किसी वजीर, किसी मिनिस्टर, किसी मुशीर, किसी अपोजिशन लीडर के किसी के बेटे के ऊपर कोई तान सकता है? ये किस तरह का मुआशरा हम डिवाइस कर चुके हैं सर? ये बड़ी मेहनतों से की है, डे वन से काम शुरू हो गया था। पाकिस्तान की बुनियाद में जाली क्लेम और जाली जाते हैं। बहुत कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ, बहुत ही गैर मतलब था, उसके लिए तैयारी नहीं थी, चीजें मिसमैनेज हो गई और होती चली गई। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। और असल बात यह है, देखें बात सुने, इसमें कोई रॉकेट साया नहीं। आप एक बंदे का पूरा उसका जब आप किसी का अंजाम देखते हो तो आपको अंदाजा हो जाता है कि इसने क्या कुछ किया होगा, कहां कहां कैसी कैसी गलती की होगी। तो एज अ नेशन मेरा ख्याल है कि मेरे नजदीक है कि 15 साल अनइंटरप्टेड, फॉरगेट अबाउट ये ढोंग जितने भी हैं, इनको खत्म करो। 15 साल प्राइमरी एजुकेशन, ये सुनता ही कोई नहीं। पता नहीं ये बहरे हैं, घूंगे हैं, इनके दिमागों को जंग लगे हुए। आपकी बुनियादी क्रॉप्स ही ठीक नहीं, आपका रॉ मटेरियल ही बड़ा गलत है। क्या कर लोगे? इन स्कूलों से पढ़े हुए जो मेजॉरिटी जिन बच्चे मेजॉरिटी भारी तरीन अक्सरियत जिन स्कूलों में जा रही है, ये स्कूल जो कुछ उगल रहे हैं, कल अगर यही मुस्तकबिल है पाकिस्तान का तो मैं अल्लाह से उसकी पनाह और अमान मांगता हूं। बस दूसरी तरफ पॉपुलेशन है, कभी किसी हुक्मरान के मुंह से सुना? ये पाकिस्तान का इतना बड़ा बुहरान है जिसका हिसाब कोई नहीं, किससे खौफजदा है? क्यों? एक दलील काफी है हमारे आका की, के इस्लाम की बुनियादी तालीमात में शामिल है एतदाल, मियाना रवी, हत्ता के अंदाजा लगाएं इबादत में भी मियाना रवी का, खाने में भी। ये भूख बाकी हो कुछ तो खाने से हाथ खींच लो, ये है दीन। लेकिन हसन साहब, जिस तरह आपने कहा कि अक्सर आपके साथ डिबेट होती है तो आप कहते हैं कि हमारे मुल्क का मसला ना तो मुआशियात का है और ना ही सियासियात का है, हमारे मुल्क का मसला इक्तसादियात का भी नहीं बल्कि अखलाकियात का है। तो मामला जब अखलाकियात का है और प्राइमरी एजुकेशन की तरफ आप खुद इशारा कर रहे हैं प्राइमरी एजुकेशन की तरफ, के बड़ा ही बदतरीन सिस्टम है हमारा, हम जो नर्सरी पैदा कर रहे हैं वो आज से 30 साल बाद हमारे मुंह पे ही तमाचा होगी, तो फिर किसने सोचना है? हमारे हुक्मरान तो आपस की टग ऑफ वार से बाहर नहीं निकल रहे? हमारे हुक्मरान चूंकि हम जैसे हैं, मैं तो एक बुनियादी बात कर रहा हूं ना, या तो कोई चैलेंज करे ना। कभी इस्लाम को आप कहते हो मुकम्मल जाब्ता है यार, और तुम्हें कुछ और करते हुए फिर शर्म नहीं आती? या तो फिर कहो कि हम गलत कह रहे हैं। और अगर ये मुकम्मल जाब्ता हयात है तो सियासी निजाम भी तुम्हारा, तुम वेस्ट का जूठा खा रहे हो, तुम्हारा मालियाती निजाम भी, तुम्हारा साइंसी भी सारा सिलसिला, और तुम्हारा तो अपना है ही कुछ नहीं, साथ कहे जा रहे हो मुकम्मल जाब्ता हयात, तो होश करो, इसको मुकम्मल ज़ाबता हयात साबित करो, क्योंकि ये साबित हो चुका है। और मोमिन अपने असर के साथ हम आहंग होता है, वो जिस अहद में जिंदा होता है। मुसलमान की एक पहचान ये भी है कि जिस अहद में जिंदा होता है उस कज़ों को समझता है। अली शरीती का एक जुमला है, कोई यही समझ ले कि चेंजिंग रूल्स फॉर द चेंजिंग नीड्स, अनचेंजिंग रूल्स फॉर द अनचेंजिंग नीड्स, तो कौन फैसला करेगा कि अनचेंजिंग
रूल्स फॉर द अनचेंजिंग नीड्स क्या होंगे और चेंजिंग रूल्स फॉर द चेंजिंग नीड्स क्या होंगे, ये कौन फैसला करेगा? शरिया की बात करते हैं, शरिया की डेफिनेशन को बताए, ये तो पानी कब का रुका हुआ, तो सदियां हो गई। शरिया तो फ्लोइंग वाटर को कहते हैं भाई, कॉन्स्टेंटली फ्लोइंग वाटर। और अगर वो पानी चंद दिन के लिए रुक जाए तो वो करीहा में तब्दील हो जाता है। दुरुस्त, मुझे कोई एजुकेट करते, बिल्कुल दुरुस्त। अगर मैं गलत कह रहा हूं मुझे बता दे। हसन साहब, खान साहब के बारे में एक सवाल है, और खान साहब के बारे में सवाल पूछना बनता है कि इमरान खान साहब एटलीस्ट 22-23 साल की जिद्दोजहद करके आए और पहुंच गए अपने मुकाम पर, क्या उनकी टीम में इनकॉम्पिटेंस है या माफिया उनको चलने नहीं दे रहा, मामला क्या है? देखें, इस पर तो बहुत लंबी बात हो सकती है। पहली बात तो ये है कि मकाम पे नहीं पहुँच गए। मेरे नज़दीक इस मुल्क में वजारत उज़्मा के मनसब की कतन सच्ची बात है, मनसब बाइज़्ज़त और बावकार होते हैं। जब बंदा देखता है हुक्मरान फारूक आज़म, उसके लिए एक तकरीम, ताज़ीम, मोहब्बत, इज्जत, एहतराम पैदा होता है। बंदा देखता है इस मनसब पे मियां नवाज शरीफ 3 बार, क्या मनसब होगा भाई? शौकत अजीज आए कान से पकड़ के, क्या भाई मुल्क में नहीं घुसा दोबारा, मेरिट पे काउंसलर भी नहीं, वो औकात ही कोई नहीं, शिनाख्ती कोई नहीं, आगाही कोई नहीं, पीछे ही कोई नहीं, तो मनसब कोई नहीं। सो अपने मकाम पे नहीं पहुंच गया। मैं जनरली ये समझता हूं इमरान का जिस तरह का माजी है उसके मकाम का तय्यन अल्टीमेटली, और मैं लिख भी चुका हूं कि बाज़ औक़ात जिंदगी में एक हाथ फेलियर सारी कामयाबियों पे पानी, मैं बड़ा तफसीली इस पे कॉलम लिख चुका हूं। ये तारीख में चंद लोग ऐसे गुजरे हैं जिनका जबरदस्त करियर था, वाटरलू खा गया सारा। आज जब आप नेपोलियन की बात करते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट वॉज नॉट जस्ट अ मिलिट्री जीनियस, वो बहुत बड़ी बला थी भाई, वाटरलू खा गया। आज नेपोलियन का जिक्र होता है तो वाटरलू ज़हन में आता है। बायजीद यल्दरम वॉज नेवर डिफीटेड, ऑटोमंस का अमीर तैमूर ने जाके उसका वहां बेड़ा गर्क किया, वो उसके अपने हिस्टोरियन उसका जिक्र एमी हल्का सा ही करके गुजर जाते हैं। सो ये अभी मकाम मुकूम वाली बात कोई नहीं है। इमरान मेरे नज़दीक तो रस्ते में है, ये मेरी इंटरप्रटेशन है, मेरी अपनी किस्म की है, वो रस्ते में है, फैसला होगा। इफ ही फेल्स, ना किसी को शौकत खानम, ना किसी को नमल, ना वर्ल्ड कप वगैरह, क्या कडौने, हम भी अजीब कौम है। वर्ल्ड कप और कितने मुल्कों में खेला जाता है, अभी जुमा 8 दिन नहीं हुए, अफगानिस्तान टाइप इस तरह के बेचारे मुल्कों में ये खेल आया, कौन सा खेल है ये? वर्ल्ड कप कहाँ से हो गया भाई? ये तुम्हारी वर्ल्ड इतनी की है, गोरों की छोड़ी हुई दुनिया जिसपे वो हुक्मरान रहे, वही तुम्हारी दुनिया है आज भी। वर्ल्ड कप, अच्छा क्या वर्ल्ड कप, ये नहीं याद रहना किसी को। इफ ही फेल्स एज अ प्राइम मिनिस्टर, एज अ रूलर, या एक सरबराह के तौर पे, इफ ही फेल्स तो उसको तो देखना है। अब रह गई टीम, ये फलाना फैक्टर, धमकाना फैक्टर, तो हुजूर ये नहीं होता। मुझे आप एक असाइनमेंट, या मैंने खुद स्ट्रगल करके हासिल किया कुछ, या मुझे आपने गिफ्ट किया, ये कहते हैं सेलेक्टेड है तो फलाना, मैं कहता सब ठीक। मैंने अगर कोई पोजीशन कबूल की है तो फिर टीम है या नहीं है, वो बेवकूफ़ हैं या कलमंद हैं, तजर्बाकार हैं ना तजर्बाकार हैं, दयानतदार हैं सूफिया हैं, मैं आई एम द ओनली वन रिस्पॉन्सिबल। ये जो है ना कि द किंग इज ऑलवेज राइट, क्यों मुशीर आपने दिए उनको, कैबिनेट आपने, आपकी तजवीज ना, ही इज द ओनली वन रिस्पॉन्सिबल। जैसे कामयाबी का क्रेडिट कैप्टन को जाता है भाई, वर्ल्ड कप तो सबका था, उसका मेरा ख्याल है 99% क्रेडिट गया इमरान को, यही होता है। किसी को पता है कि शौकत खाना में किन किन लोगों ने, मैं जानता हूं, अरे अपने करीबी लोग हैं अमेरिका के, कितने कितने, किसी को नाम भी नहीं पता क्रेडिट। डेफिनेट भाई, इसी तरह जीत का क्रेडिट अगर जर्नैल को जाता है तो हार का
मामला भी फिर उसी को भुगताना है। तो मैं तो इन तफसीलात में नहीं जाता कि जी टीम भैड़ी है कि चंगी है, तो तजर्बाकार है कि नहीं है। भाई पहले 22 साल क्या लगे रहे हो, एक तरफा तैयारी थी, सिर्फ इक्तदार के असूल तक था काम, उसका करना क्या है। तो मैं 20 बार ये मिसाल दे चुका हूँ कि बच्चा जहीन हो, ओ लेवल का भी थोड़ी सी अकल हो, मैट्रिक का बच्चा हो, उसको पता होता है एग्जाम आ रहे हो, साथ साथ वो भी तैयारी कर ली, तो अगर तैयारी की है नहीं की है, कामयाबी अल्लाह कामयाब करे, बिकॉज उसकी कामयाबी का तल्लुक 22-24 करोड़ लोगों की जिंदगियों के साथ है, आइंदा नस्लों के साथ है। तो मैं तो इसलिए दुआ गो हूँ। बाकी तो गाइज ये वीडियो होता है यहाँ पर ख़त्म, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। आपने देखा पाकिस्तान मीडिया में हसन निसार का एक रुतबा है, हसन निसार पाकिस्तानी मीडिया में पिछले कई लंबे समय से काम कर रहे हैं और हसन निसार को इंडियन में बहुत फ़ैन फॉलोइंग है। हालांकि हसन निसार पिछले लंबे समय से, मतलब जब से इमरान खान की गवर्नमेंट आई है, इनका एक डबल स्टैंडर्ड चेहरा भी सामने आया है। आपको पता है पहले ये बहुत सेकुलरिज्म की बातें करते थे, ये वाली बात करते थे, वो वाली बात करते थे, आजकल ये थोड़ा सा इस्लामिस्ट टाइप के हो चुके हैं। पता नहीं इसका क्या रीज़न है, क्योंकि इमरान खान को सपोर्ट करते करते ये वैसी कुछ बातें कर जाते हैं जिससे कि आपको पता है, जैसे कि इनकी वो जो पुरानी छवि थी वो मतलब धूमिल होती है। यहाँ पर हसन निसार बात कर रहे हैं जो इस्लामी, आपको पता है पाकिस्तान में जो इस्लामी मतलब पढ़ाई के तौर पर या जो सिलेबस है उसे लेकर हसन निसार का टॉपिक था बेसिकली, और हसन निसार की वही पुरानी बातें, लीडरशिप ये वो आपने सब सुनी। तो हसन निसार ने बताया कि किस तरीके से पाकिस्तान का जो सिलेबस है वो क्या प्रोड्यूस करता है। हसन निसार ने बात की डेमोक्रेसी की, हसन निसार ने इनडायरेक्टली बता दिया कि इस्लाम में कोई डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये आप कॉपी कर रहे हो बेस्ट का। ओके, हसन निसार ने बेसिकली इमरान खान को इस यहाँ पर धीरे से टारगेट करते हुए ये भी बोल दिया कि इमरान खान ने वर्ल्ड कप जीता, उसे 8-9 देश तो खेलते ही हैं, ये कैसा वर्ल्ड कप है, इसकी वजह से वो प्राइम मिनिस्टर बन गया, ये कोई अचीवमेंट नहीं है, उसमें बहुत सारे लोगों का क्रेडिट था, इमरान अकेले का नहीं था, लेकिन 99% लोग केवल इमरान की बातें ही क्यों करते हैं। तो इसी तरीके से अब आपने देखा कि हसन निसार इमरान खान के वो भी अब धीरे धीरे टारगेट करना शुरू करने लगे हैं, क्योंकि इन्हें पिछले 3 साल से दोला नंबर 1 बोला जा रहा था। आपको बता दें कि इमरान खान की गवर्नमेंट ने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया है कि हमें गवर्नमेंट्स या मतलब जो गवर्नमेंट चलाना बिल्कुल भी नहीं आता है, हम इसमें पूरी तरह से फेल रहे हैं। तो अब दोस्तों आप समझ सकते हैं, इमरान खान अगर किसी देश का प्राइम मिनिस्टर इस तरीके की बातें कर दे तो उस देश की जनता का तो कटना डेफिनेटली तय है कि आपने वादे क्यों किए, आपने इस तरीके की बातें क्यों की जिससे कि आप सत्ता में आ सकें। तो इस तरीके की बातें कर कर वो सत्ता में आ गए और अब डेफिनेटली लोगों का कट गया। तो दोस्तों यहाँ पर करते हैं वीडियो को एंड, आपसे रहेगी रिक्वेस्ट, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, और हसन निसार के जो आने वाले नए लेटेस्ट वीडियो हैं आपको इसी तरीके के वीडियो इस चैनल में मिलते रहेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, हसन निसार आप जानते हैं हसन निसार की फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हसन निसार ने कुछ ऐसी बातें भी कही हैं जो मतलब डबल स्टैंडर्ड वाली बातें। हसन निसार बेसिकली आपको पता है कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं, मतलब आप समझ रहे हैं, हसन निसार को इंडिया में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है, क्योंकि इनके जो पुराने वीडियो हैं, जो मतलब 10 साल पुराने, 7-8 साल पुराने वीडियो हैं, उनकी वजह से। आपको याद है हसन निसार ने एक वीडियो में बोला था बलूचिस्तान आपसे सामान ले रहा, कश्मीर लेने के ख्वाब क्यों देख रहे हो, और अब वही हसन निसार डबल स्टैंडर्ड अपने इस बयान पर पलट चुके हैं। तो आप समझ सकते हो दोस्तों, हालांकि ये पाकिस्तान में रहने में उनकी मजबूरी भी हो सकती है, इस तरीके की बातें उन्हें करना पड़ता होगा। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, जय हिंद।